मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बायोस्टेट कंपनी की डार्ट्रिच दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, बेहद ही जबरदस्त कीटनाशक है। इसके बारे में आपको तमाम जानकारी देंगे कि ये कौन कौन सी फसल में आपको इसको उपयोग करना है, इसके टेक्निकल नाम के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ में आपको ये भी बताएंगे इसकी कितनी मात्रा, कितनी डोज आपको कौन सी फसल में कितने लीटर पानी में मिला के इसका स्प्रे करना है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ दवाई करते समय आपको किन किन बातों की सावधानियां रखना बेहद आवश्यक हो जाता है उसके बारे में भी बताएंगे और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देंगे इस दवाई के बारे में। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ में बने रहिए ज्यादा जानकारी के लिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की कि डार्ट्रिच दवाई आप मुख्य रूप से धान, कपास, गन्ना, मक्का आदि जो भी दलहन फसलें होती है, जैसे कि सोयाबीन हो गया, उड़द हो गया, इन सब में आप इस दवाई को उपयोग ले सकते हैं। ये एक कीटनाशक दवाई है, तो जिस भी फसल में कीटों से संबंधित कोई भी समस्या होती हो उस सारी फसलों में आप इस दवाई को उपयोग में ले सकते हैं। ये दवाई आप सब्जियां, फल या फिर बागवानी की फसलों में भी उपयोग में ले सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके टेक्निकल नाम की, तो कारटॉप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP इसका टेक्निकल नाम है। और इसके डोज के बारे में बताएं तो 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका उपयोग लेना है। इसकी डोज जो है वो एक एकड़ में 400 ग्राम आपको ये दवाई लेनी है। अगर मैं एक स्प्रे पंप के हिसाब से बताऊं, जो 15 लीटर का स्प्रे पंप होता है उसमें ये दवाई मात्र 40 ग्राम आपको डालनी है और एक एकड़ में आपको 15 स्प्रे पंप का उपयोग करना है। और अगर इसकी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताएं तो दोस्तों, ये पत्ता लपेट, तना छेदक, फल छेदक जैसे तमाम तरह के जो भी कीटों के रोग होते हैं उन सभी को नष्ट करता है, उन सभी को ये बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म करता है, फसल को तंदुरुस्त रखता है। और किसी भी तरह के जो कीट होते हैं, जो लाल गंडारे होती है, हरी लट होती है, तंबाकू लट होती है या फिर अन्य किसी भी प्रकार के जो दूसरी बीमारियां होती है, जैसे कि एफिड, जैसेड, पाउडर मिल्ड्यू, दूसरा कोई भी रोग हो कीटों से संबंधित, उन सभी को ये प्रतिकूल इसका प्रभाव पड़ता है और ये पूरी तरीके से उन्हें नष्ट करता है। अगर इसको आप चाहें तो फंजीसाइड के साथ में भी उपयोग में ले सकते हैं और जब भी बारिश का मौसम हो तब आप इसमें अच्छा स्टिकर मिलाकर ही इसको उपयोग करें। जो भी हमारे पास में गोंद अवेलेबल हो, या उसको हम अन्य भाषा में स्टिकर भी कहते हैं, उसका भी आप इसके साथ उपयोग कर सकते हैं ताकि आपकी दवाई बारिश के साथ धुले नहीं। और अगर आप इसका फंजीसाइड के साथ में उपयोग करते हैं तो इसका बेहद ही अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा और ये फसल को हरा भी बनाएगी, पौधे में पैदावार भी बढ़ाएगी और फूलों की संख्या को भी अधिक बढ़ाएगी और उन्हें मजबूत बनाएगी। अगर हम बताएं तो इसका रिजल्ट धान और मक्का की फसल में आपको बेहद जल्दी और बेहद जोरदार देखने को मिलेगा, क्योंकि विशेष रूप से ये धान में या फिर जो ज़्यादा पानी की फसल होती है उस पे इसका परिणाम जो है वो बहुत अच्छे ढंग से, बहुत प्रभावी ढंग से हमें देखने को मिलता है। ये थी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी डार्ट्रिच दवाई के बारे में। और अगर हम बात करें सावधानियों की, तो दोस्तों दवाई कोई भी करे सावधानी रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये सारे जहरीली दवाइयां हैं, तो बच्चों की पहुंच से दवाई को दूर रखना है। बॉटल हो या पाउडर फॉर्म में हो दवाई, आप हमेशा इसको हिला के ही उपयोग में लें ताकि एक जाई रूप से दवाई बाहर निकल सके। और खाली पेट हमें कभी भी दवाई करने नहीं आना है खेत पे, हमेशा घर से खाना खाकर ही आए और दवाई करते समय कभी भी खाना नहीं खाना है, घर से ही खाना खाकर आना है। और आपको बेहद अच्छे परिणाम अगर दवाई के लेने हो तो हमेशा नैपसैक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करें। दवाई का उपयोग पूरा करने के बाद बॉटल हो चाहे थैली, उसको पूरी तरीके से नष्ट करके वहीं आप जमीन में गाड़ आए। और जब भी आप स्प्रे करें तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि हवा से विपरीत दिशा में हमें कभी भी स्प्रे नहीं करना है, जिस दिशा में हवा चल रही हो उसी दिशा में हमें स्प्रे करना चाहिए, वरना दवाई का वेस्टेज होता है और हमारे शरीर पर भी दवाई आकर लगती है। ये थी तमाम तरह की सावधानियां डार्ट्रिच दवाई के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे टैगमाइसिन दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ट्रॉपिकल एग्रो साइंस की
टैगमाइसिन दवाई, इसके बारे में आपको तमाम तरह की विस्तृत जानकारी देंगे। ये छोटी सी पुड़िया आपको कितने काम आ सकती है इसके बारे में पूरी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, इसके डोज के बारे में बताएंगे और तमाम तरह की जानकारी देंगे टैगमाइसिन दवाई के बारे में। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी, ये पूरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपकी जानकारी को बढ़ाया हो तो, और अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन तो जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।